हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कोविड फिर से आ गया है, था ही बट अभी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबके साथ मैंने पिछला ब्लॉग शेयर किया कि मैं अपने मायके आई हूँ, तो शादी है, शादी की कार्ड आ चुकी है और आज शादी के कार्ड सभी देवी देवताओं पर चढ़ाई जाएगी। तो मैं ये इन कार्ड में धूप घास और अक्षत लगा रही हूँ और साथ में मम्मी है और हम सब कुछ लगभग 10 से 15 कार्ड पे अभी धूप घास अक्षत लगाएंगे और फिर मम्मी इन्हें पहले घर के देवी देवताओं पर चढ़ाएगी और फिर हमारे गांव में जितने भी देवी देवताएं हैं जिन्हें मतलब कोई बड़ी बड़ी फेस्टिवल या फिर कुछ में पूजा किया जाता है गांव में घूमकर, उन सभी जगहों पे कार्ड चढ़ाया जाएगा। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि कार्ड चढ़ाकर भगवान जी को शादी में आने के लिए बुलाया जाता है, मतलब आमंत्रित किया जाता है। तो मम्मी अभी वही करेगी, शादी का कार्ड लेकर जाएगी और सभी देवी देवताओं के पास चढ़ाएगी और उनसे हमारे भैया भाभी के लिए आशीर्वाद भी मांगेगी और वो चढ़ाकर आएंगी। और तो ये देखिए, फाइनली सारे कार्ड पे धूप घास और अक्षत लग चुकी है और मम्मी नाम लिख रही है। सबसे पहला कार्ड कुल देवता के नाम लिखाया है और कुल देवता के नाम से उनको न्योता मिल रहा है। तो मम्मी सबसे पहले अपने घर में जो कुल देवता होते हैं उनको न्योता देगी शादी में आने को। और अभी इतने कार्ड पे ये हनुमान जी का है, मतलब हमारे यहाँ पताका गराते हैं जिसे हम लोग भी हमारे यहाँ धाजा जी बोलते हैं, उनको ये मिलेगा न्योता। मम्मी अपना लिख रही है कार्ड पे सभी भगवान जी का नाम और फिर उनको लेकर जाएगी चढ़ाने को। तो फाइनली सारे कार्ड पे नाम लिखा चुका है और अब मम्मी इनको चढ़ाएगी। ये हमारे घर के कुल देवता हैं जिन्हें मम्मी कार्ड चढ़ाने वाली है। और हाँ फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मंदिर नहीं, मतलब हमारा नया घर बना है तो अभी हम लोग उसमें शिफ्ट होंगे, इसलिए भगवान जी को निकाल कर ऐसे रखा गया है। तो यहाँ मम्मी ने कुल देवता पे चढ़ा दिया और एक जगह और चढ़ाएगी। ये मैंने बताया था हनुमान जी को चढ़ाना था, वो उनका मिट्टी रखा हुआ है, वो हनुमान जी के नाम से चढ़ा है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको हमारा वीडियो मिले और आप सब देखें। अब मम्मी बाहर आई है, तुलसी जी पे चढ़ाएगी और घर के सारे देवी देवताओं पे चढ़ाने के बाद मम्मी बाहर जाएगी, जो और गांव में जो भी पूजे होते हैं वहाँ चढ़ाएगी। तो ये देखिए, मम्मी अभी अंदर के जो डेली पूजा करने वाले देवी देवताओं होते हैं उन सभी के नाम पर एक ही कार्ड चढ़ा दिया गया है। देखिए गंगा जी, और एक एक्स्ट्रा कार्ड हवा सब लेके जा उजड़ गया। अरे लगता है नहीं बेटा, साठ दे सर। वो ऐसी दुकान दिखा दीजिए ना थोड़ा, वो जेवाई वाला और बंद है वो भी थोड़ा बताइए। देखिए ये नई भी आती है जो थे ना, अभी आती ये जगह ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह पे ट्रांसफर हो गया। बहुत सारे शादी का कार्ड चढ़वाया, तो अभी हम लोग आ गए हैं कार्ड चढ़ाने। कौन से स्थान है ये? हाँ, देवी स्थान है। तभी हम लोग बाहर जाए, एक कार्ड लेके आ जाइए ना। मतलब कार्ड अभी
दादी जो आ रही है हम लोग के पूरे मतलब इधर घूम रही है। चलिए हम लोग चलते हैं। ये है बड़े से पीपल की पेपल के लिए दादी। अभी हम लोग इसको तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं गोरैया बाबा के पास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दादी? डाक बाबा के पास। चलिए डाक बाबा के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं डाक बाबा। तो अभी डाक बाबा के लिए इधर से हमें जाना पड़ेगा। तो आप लोग चलिए मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि वहाँ डाक बाबा किधर साइड है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डाक बाबा के पास जाने में थोड़े देर लगेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग डाक बाबा कहाँ है। तो फ्रेंड्स हम लोग इधर खेत से जा रहे हैं डाक बाबा के पास। पता नहीं कितनी दूर है डाक बाबा, हम लोग को इधर जाना पड़ेगा। दादी को पता है, दादी से पूछते हैं और कितनी देर लगेगी दादी। इधर जाना है हमें। ए सामने से हटो, इधर से चलिए, वहाँ पे भी चढ़ाना है ना। तो इधर से नहीं चलेगी, इधर से रास्ता है। तो उधर से रास्ता है, देखिए ना। चलिए कढ़ा है उधर। अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं। मेरे को दादी आगे रहने। आ जाओ बोलो। तो फ्रेंड्स इधर देखिए कितने सारे खेत हैं, इतने सारे पूरे पता नहीं किसके हैं, लेकिन है खेत। हटो आगे से। अरे हटो ना। तो देखिए इधर फ्रेंड्स पूरा खेत है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ जो दो पेड़ है ना, वो वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे मजा आएगा। हम लोग पूरा मतलब वहाँ भगवान जी है, वहाँ उनको चढ़ाएंगे हम लोग। कार्ड जो दादी ली हुई है पीछे है, जो दादी ली हुई है हम लोग के साथ आई हुई है। गुल्लू आया हुआ है, गुग्गू नहीं है, हमारे साथ गुल्लू की नानी है यानी कि मेरी दादी। और फिर ये है अर्चना है मेरी फ्रेंड, और मैं हूँ, मेरा नाम है पीहू। चलिए चलते हूँ ऊपर। हाँ हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं। अरे यार यहाँ पे तो पौधे उगे हुए हैं इतने सारे भगवान जी के पास। प्रणाम भगवान जी। अभी आ गई हैं दादी। स्लीपर खोलो यहाँ से। प्रणाम। अभी दादी ये कार्ड मतलब कार्ड ढूंढ रही हैं, चढ़ाने वाली कार्ड। उधर भी खोलो भगवान जी। देखिए ये डाक बाबा का कार्ड यहाँ चढ़ रहा है। दादी उनको प्रणाम कर रही हैं। और ये है डाक बाबा। चलो गुल्लू तुम भी प्रणाम करो सब भगवान जी को। हटो तो थोड़ा सा पकड़ो इसे, मैं प्रणाम फिर हम कर लेंगे प्लीज। प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, पकड़ना। चलो जाओ प्रणाम कर लो। तो सब आदमी को हम लोग मतलब सब भगवान जी को हम लोग प्रणाम कर चुके हैं। अब कहीं पे कहाँ पे जाना है दादी, कौन से भगवान जी के पास? वो महादेव जी के, महादेव जी के पास। तो चलिए हम आपको बाद में वहाँ का नजारा दिखाएंगे, पहले आप यहाँ का देख लीजिए। आप लोग सुंदर कितना लग रहा है आप लोग देख के बता सकते होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सब लोग ओ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हम लोग फिर से उधर ही जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जाना है कहाँ दादी? महादेव स्थान। और जो हमारी अर्चना है वो सबसे पीछे है। तो चलिए गुल्लू हाय कर दो, देख के चलना बेटा। चलिए हम लोग आगे देख के चलते हैं। चलिए बाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग जब पहुंचेंगे तो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब लोग हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले दादी? कहाँ पहुंचने वाले?
महादेवस्थान, महादेवस्थान। तो इधर है हमारा महादेवस्थान। किसको? तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। बोलो बोलो ये कहाँ? हाँ महादेवस्थान, दादी ने कार्ड चढ़ा दिया है भगवान जी पे और ये सारे भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ भी। चलिए अब चलते हैं। गुल्लू चलिए, बैल नहीं बजाना, चलिए। अब हम लोग यहाँ वाला बैल बजाने वाले हैं। अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अरे जल्दी आओ, तुम दोनों पागल हो क्या? तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पीपल के पेड़। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं पीपल तर। उधर बहुत सारे मतलब सरसों के खेत हैं, वहाँ पे हम लोग फोटो भी खिंचवा सकते हैं। इतना सारा है कि मतलब हम लोग डूब सकते हैं उसमें। चलिए चलते हैं उधर। ये गुल्लू, उसको उसमें फोटो खिंचवाने का बहुत मन है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं रोड पे। तो रोड पे से हम लोग को उस पार जाना है, लेकिन हम लोग का घर है उधर साइड उधर, और हमें जाना है इधर, इधर साइड जाना है इधर। और देखिए आप लोग देख सकते हैं यहीं से आपको दिख रहा होगा, उधर बहुत सारे मतलब ये है प्लांट्स, मतलब फ्लावर है खेत में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आपको बड़ा पेड़ भी दिख रहा होगा वहीं। दादी ने बुलाया है सब भगवान जी को। अभी लोग भगवान जी को उसमें लिखा हुआ है कि भगवान जी महावीर जी सब आइए। और अभी हम लोग मैंने उसका स्लीपर पहन लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी पे। चलिए नदी, हम लोग बहुत ब्रांड था, आखिर में हम लोग आ चुके हैं नदी पे। देखिए गुल्लू को इधर नहीं आना, धीरे धीरे लेके आओ। तो इसलिए हम लोग बहुत इसे बोला जाता है गंदी हो। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब गलती से निकल गया मुंह से। सब दिन ना रह जाएगा जी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नदी पे। तो नदी देखिए इधर बहुत मतलब ये है सारे जगह पे। नहीं नहीं ले जाएंगे आप, तुमको सीधे पकड़वा के मुन्नी दीदी। देखिए दे रहा हूं तुमका, हम लोग इसके अंदर पानी अपना हाथ, हम लोग अंदर जा सकते हैं। बेटा जब अभी हो देखो ना यहाँ पे आके कोई मजा हो नहीं, बड़ी गंदा है। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट में आ गए हैं। सब को उल्टी 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 लग रहा है बहुत सारा मतलब ये है। बाय फ्रेंड्स, टाटा टाटा, हम लोग बाय, आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।